गुरुदेव साई जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस हमारे लिए है। चुनाव की शुरुआत में जब रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय सुनील सोनी जी का ये नामांकन रैली और इस नामांकन रैली में सम्मिलित होने के लिए और आप सभी को उद्बोधित करने के लिए हम सबके बीच मंच पे उपस्थित है छत्तीसगढ़ के मुखिया सरल सहज और लगातार जो विकास करते आ रहे हैं ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी करतल धोनी से आप अभिनंदन करें उनका। हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन में अरुण साव जी मंच पर विराजमान वर्षों से जिन्होंने वर्षों से आपकी सेवा की और जिनको आप सभी ने वर्षों तक प्रेम दिया लगातार विधायक के नाते और अब सांसद के नाते ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी और जिनके लिए कार्यक्रम आयोजित है जिन्होंने आज अपना आप सभी के साथ मिलकर अपना नामांकन जमा करवाया है ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद पूर्व महापौर आदरणीय सुनील सोनी जी। मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण सभी छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता और मंत्री दयालदास बघेल जी आदरणीय लखन देवांगन जी आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे प्रभारी श्याम बिहारी जायसवाल जी आदरणीय मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी टंकराम वर्मा जी हमारे लगातार वर्षों तक इस रायपुर को विकास जिन्होंने प्रदान किया ऐसे आदरणीय विधायक राजेश मोड़ जी अजय चंद्राकर जी मोतीलाल साहू जी खुशवंत साहेब जी हमारे इंद्र भैया पुरंदर मिश्रा जी संजय श्रीवास्तव जी केदारनाथ गुप्ता जी हमारे वरिष्ठ नेता खूब संस्थागत जी पूर्व विधायक टीचर सुधरामी जी किशोर महानंदी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष जयंती भाई पटेल जी आदरणीय सामने विराजमान है। मैं आप सभी का और हमारे सभी पदाधिकारी वरिष्ठ नेता पूरे रायपुर दक्षिण विधानसभा के ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारी जनता जनार्दन और सभी मीडिया के पत्रकार बंधुओं का अभिवादन करता हूं अभिनंदन करता हूं आप सभी को प्रणाम करता हूं। छत्तीसगढ़ के विषय में हम बार बार इस बात को कहते हैं हमारे आदरणीय भारत रत्न स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है और उन्होंने बनाया है। अब 15 वर्षों तक अपूर्व मुख्यमंत्री व अभी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में और इस छत्तीसगढ़ का समूचा विकास हुआ और हम जब बार बार कहते हैं कि हमने ही बनाया है और हम ही जोर से बोलिए हमने ही बनाया और हम ही तो ये दिखता भी है क्योंकि वर्तमान में जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में दिन दूनी रात चौदनी जिस तरीके से विकास रफ्तार से कर रही है वो आप सभी के सामने है। जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव विधानसभा चुनाव के समय किया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद लाइन से उन विकास के कार्यों को मुहर लगाई और अपना उसमें स्वीकृति प्रदान करी। इसका परिणाम है कि आज 70 लाख से भी ज्यादा हमारी बहनों को ₹1,000 महतारी वंदन लगातार प्रति महीना में बन रहा। छोटी मोटी योजना नहीं है भाइयों बहनों। किसानों का ₹3,100 में प्रति क्विंटल धान ऐसी कई कल्याणकारी योजनाएं आगे का विषय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं छोड़ूंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। रायपुर दक्षिण विधानसभा की शानदार दमदार वजनदार श्रेष्ठ जनता का मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभिवादन करता हूं उनका अभिनंदन करता हूं कि लगातार वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के ऊपर
अपना संपूर्ण विश्वास, प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद और छत्र छाया प्रदान की। मैं आज इस नामांकन रैली में उन सभी श्रेष्ठ जनता जनार्दन को भी धन्यवाद देता हूं। हमारे सभी उन कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन, धन्यवाद, जिन्होंने वर्षों से, लगभग 35 साल से तो लगातार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजमोहन जी को अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया, उसके लिए धन्यवाद। विकास 5 सालों में थम सा गया था जब यहां पर कांग्रेस की सरकार बनी, एक इंच काम नहीं किया इंफ्रास्ट्रक्चर, न रोड, न सड़क, न पुलिया, न पुल, न निर्माण काम। ये जितने भी विकास के काम है, मैं बस्तर से आता हूं, पार्टी के पदाधिकारी के नाते, तत्काल में महापौर के नाते भी, जब उस समय विकास के कार्य चल रहे थे तेज गति से, और हमारे राजेश मूणत जी भी उस समय मंत्री थे, अजय चंद्राकर जी और सभी लोग, बृजमोहन जी सहित सभी लोग मिलकर, जिस तेज गति से इस रायपुर की जनता ने पूरे छत्तीसगढ़ को विकास के रूप में परिवर्तित होते देखा, दिन रात चौगुना विकास, ये सारा कुछ जो दिख रहा है छत्तीसगढ़ में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और इसीलिए मोदी जी का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस अवधारणा के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तेज गति से विकास के काम कर रही है। मैं आह्वान करता हूं, मैं आप सभी से विनती, निवेदन, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, जो विश्वास, जो प्रेम, जो स्नेह, आशीर्वाद रायपुर दक्षिण की जनता ने सदैव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दिया है, इस बार पुनः आदरणीय सुनील सोनी जी को और प्रचंड मतों से अपना प्रेम, आशीर्वाद, अपना मत प्रदान करके और फिर से पुनः यह कीर्तिमान बनाए रखे, आप सभी का अभिवादन करते हुए मैं अपने शब्द और अपने वाणी को यही विराम देता हूं। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।